19 अगस्त यानी आज रक्षाबंधन है। इस पावन मौके पर जानेंगे राखी बांधने का मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन पर दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी, जिस वजह से राखी बांधने का मुहूर्त इसके बाद ही शुरू होगा। दरअसल भद्रा काल को अशुभ माना जाता है, जिस वजह से इस काल में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ या रक्षा सूत्र बांधने जैसे शुभ काम नहीं किए जाते। भद्रा खत्म होने के बाद से सूर्यास्त तक बहनें कभी भी अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। लेकिन अगर इस समय में आप रक्षाबंधन नहीं मना पा रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद भी राखी बांधी जा सकती है। मुहूर्त के बाद अब बात रक्षाबंधन की पूजा थाली की। थाली में राखी, नारियल, चावल, मिठाई, पानी का लोटा, दीपक, कुमकुम या चंदन और भाई को देने के लिए भेंट रखें। सबसे पहले बहन भगवान गणेश का ध्यान करते हुए भाई के माथे पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं और फिर तिलक पर चावल लगाएं। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। भाई को मिठाई खिलाएं, दीपक जलाकर उसकी आरती करें। राखी बांधते वक्त ये मंत्र बोलें। मंत्र का अर्थ है, एक रक्षा सूत्र लक्ष्मी जी ने असुरराज बलि को बांधा था, ठीक उसी तरह मैं मेरे भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हूँ। ये रक्षा सूत्र मेरे भाई की रक्षा करे। हे रक्षा सूत्र, तुम अटूट रहना और भाई को बुराइयों से बचाना। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जिन महिलाओं का कोई भाई नहीं है वो अपने पिता या इष्टदेव को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। महिलाओं के अलावा पुरुष भी रक्षाबंधन पर अपने इष्टदेव को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र ना हो तो सामान्य धागे को रक्षा सूत्र मानकर भाई की कलाई पर बांधा जा सकता है। अंत में आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें।